हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण्स किचन। दोस्तों, आज मैं आपको चिकन की रेसिपी बताऊंगी, मैं कैसे बनाती हूँ अपने स्टाइल में। चलिए अब देखते हैं। 1 केजी चिकन लिए हैं, इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए, इसमें अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा डाल दिए, दही या नींबू भी डाल सकते हैं, आधा नींबू डाल दीजिए या थोड़ी सी दही। नमक डाल दिए स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची, जीरा धनिया पाउडर भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए, इस तरह से अच्छे से मैरिनेट करना है। मैंने मैरिनेट कर दिया चिकन को, अब इसको ढककर फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। चिकन के लिए हम 5 बड़े प्याज ले लेंगे, इस तरह के प्याज, और इसको काट लेंगे। ये प्याज मैंने काट लिया है, 5 बड़े बड़े प्याज इस तरह से, और इसमें 4 लाल मिर्ची है सूखी हुई, ये भी डालेंगे चिकन में, 2 तेज़पत्ता और 1 चम्मच जीरा लिया है मैंने, और 2 टुकड़ा दालचीनी, 3-4 लौंग और 1 छोटी इलायची, ये सब चिकन में डालेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इस पे ऑयल डालेंगे। ये लौंग, इलायची, दालचीनी डाल देंगे और ये 2 तेज़पत्ता। ये मिर्ची डाल देंगे और फिर प्याज। इसको फ्राई करेंगे थोड़ा, अच्छा ब्राउन होने तक इसको तलेंगे। इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। पहले थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा फ्राई अच्छे से हो गया है, अब इसमें थोड़ा अदरक लहसुन पेस्ट और डाल देंगे। हमने चिकन को मैरिनेट करते समय भी डाला था ना, थोड़ा इसमें भी डालेंगे। अच्छे से चलाएंगे, बस 2 मिनट और फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम चिकन डाल देंगे। हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है और इसमें चिकन डाल देंगे। ये जो हमने मैरिनेट किया था ना, काफ़ी अच्छे से मैरिनेट हो गया है, तो इसमें डाल देंगे। अच्छे से चलाएंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसको ढक देंगे। बीच बीच में थोड़ा हिलाते रहेंगे, इसको बीच बीच में हिलाना है चिकन को, चलाते रहेंगे नहीं तो जल जाएगा हमारा चिकन। अब इसमें कुछ भी मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारे मसाले डाल दिया था चिकन को मैरिनेट करते समय। बस नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो डाल दीजिए। इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे, लास्ट में गरम मसाला डालेंगे। इसको फिर से ढक देते हैं। देखिए, चिकन पानी छोड़ दिया है, इसमें हमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको तो अभी अच्छे से फ्राई करना है, पानी को भी सुखाना है थोड़ा।
टिफिन के साथ आप लोग क्या खाते हैं, रोटी या चावल? हम लोग तो जीरा राइस ही बनाएंगे। पुलाव सोचा था बनाने, लेकिन काजू नहीं है इसीलिए ख़त्म हो गया काजू, तो सोचा चलो जीरा राइस ही बना देती हूँ। अब इसको ढकेंगे नहीं, अब इस बिना ढके ही पकाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये पक चुका है। चिकन बनने में आपको कम से कम आधा घंटा का टाइम तो चाहिए, इस तरह से बना रहे हैं तो। चिकन की और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मुझे पता है, मैं अलग अलग तरीके से बनाती हूँ हर बार चिकन, फिर मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। देखिए चिकन अब हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है, पानी भी अब कम हो गया। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें अलग से पानी और डाल सकते हैं, पर हम लोग ज़्यादा ग्रेवी नहीं खाते हैं इसलिए मैंने नहीं डाला। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे, देखिए इतना, आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला हमेशा घर पे ही तैयार किया कीजिए, मैं तो सारे मसाले घर पे ही तैयार करती हूँ, इसलिए खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसको चेक करेंगे हमारा चिकन पक्का है कि नहीं अच्छे से। ये फोर्क ले लेंगे, इसे देखेंगे, ये तो अच्छे से निकल जा रहा है, हड्डी छोड़ दिया, ठीक है मतलब हो गया। लेकिन फ्रेंड्स कुछ पीसेज ऐसे होते हैं ना जो टाइम लगता है, इसलिए एक आध पीस को हम और देखेंगे। हो गया चिकन, बस अब इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। ये मैंने धोकर काट कर रखा है धनिया पत्ता, अब इसे डाल देंगे चिकन पे। राइस भी हमारा सीटी मार रहा है, एक सीटी मारा और दो सीटी मारेगा ऑफ कर देंगे। ये चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको मिला दिए अच्छे से धनिया पत्ता और ढक्कन बंद कर देंगे। हमारा चिकन रेडी हो चुका है, देखिए मैंने सर्व कर लिया है चिकन और जीरा राइस और कुछ खीरे के टुकड़े और प्याज के साथ। लग रहा है ना मज़ेदार? दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगले बार फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।